व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के बारे में, यानी कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले हम पांचों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार वीडियोस बदलना पसंद नहीं है तो हमने अपने दूसरे चैनल फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर पे सभी एपिसोड्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो सीधा जाके उसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी को लेटर लिखते हुए देखते हैं। वो लिखता है कि मेरा नाम थॉमस शेल्बी है और आज मैं एक मर्डर करने वाला हूँ। ये मर्डर होगा फील्ड मार्शल का और इसमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। मुझे ये करने के लिए ऑफिसर चेस्टर कैमल ने कहा है। चेस्टर कैमल ने मुझे इसके लिए फोर्स किया है और अगर मैं उसे मारूंगा तो बेशक वो भी मुझे मार देंगे। तो अगर आपके पास ये लेटर पहुंचता है मतलब कि मैं मर चुका हूं। इसके बाद वो एडा को यहां पे बुलाता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस लेटर को पोस्ट कर देना। फिर वो जेम्स को भी अपने साथ लेके चला जाता है। एडा उन्हें रोकने की ट्राई करती है बट वो उसकी बात नहीं सुनते। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि आर्थर को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि टॉमी जेम्स के साथ सोलोमोन के पास आया है बट जेम्स अंदर नहीं आ सकता। अंदर जाते वक्त टॉमी अपनी शूलेस बांधता है और उसके बाद सोलोमोन के पास आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोलोमोन की वजह से ही आर्थर जेल से बाहर निकला है। इसके बदले में टॉमी सोलोमोन को अपना 20% एक्सपोर्ट बिजनेस देने वाला है, लेकिन सोलोमोन पूरा 100% बिजनेस हड़पने की फिराक में है और अगर टॉमी इसके लिए नहीं मानता तो वो उसे मार देगा। अब टॉमी रिवील करता है कि उसने शूलेस बांधने के बहाने एक हैंड ग्रेनेड फिट कर दिया है एंड अगर उसे कुछ भी होता है तो एक लड़का बाहर खड़ा है जिसके हाथ में एक रिमोट है। सो नाउ यू नो कि टॉमी क्या कहना चाहता है। इस पे सोलोमोन 65% की डिमांड करता है। फिर टॉमी उसे ग्रेनेड की पिन भी शो करता है जिससे कि क्लियर हो जाता है कि ही इज नॉट लाइंग। अब सोलोमोन 45% की डिमांड करता है और टॉमी उसे 35% तक ले आता है। फिर डील फाइनल करके टॉमी बाहर आता है और यहाँ पे आर्थर भी उसका वेट कर रहा था। टॉमी उसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो सभी रेस के लिए निकल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम फोन को रिंग होता हुआ देखते हैं एंड माइकल उसे पिक करता हुआ कहता है कि टॉमी यहाँ पे नहीं है, वो इप्सम में हो रही रेस में है। तभी यहाँ पे पॉली आती है और उसे पैसे देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से लंदन चले जाओ और अगर मैं वापस आती हूँ तो तुम संडेस को यहाँ पे विजिट करने आ सकते हो। मतलब साफ है कि पॉली माइकल की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को। वो रेड राइट हैंड के लोगों के पास जाता है और उन्हें टॉमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स को। यहाँ पे टॉमी सभी को बताता है कि 3 बजे मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बाद सारी पुलिस का ध्यान भटक जाएगा एंड उस टाइम तुम सभी ने के सारे लाइसेंस जला देना और हाँ याद रहे 3 बजे से पहले कोई कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद टॉमी जाके मे से मिलता है। वो कहती कि तुम आराम करो, मैं रेस खत्म होने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। टॉमी कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि हम आज हारेंगे या फिर जीतेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा। वो कहता है कि अगर रेस के बाद सब कुछ ठीक रहता है तो मैं तुमसे आके मिलूंगा। मतलब साफ है कि टॉमी कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा रिस्की करने वाला है। फिर यहाँ से जाने से पहले वो उसे किस भी करता है। भाई ये चाहता क्या है, ग्रेस या मे? इसके बाद टॉमी फील्ड मार्शल का पीछा करने लगता है पर तभी यहाँ पे ग्रेस आ जाती है और वो टॉमी से कहती है कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता दिया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि उससे। इस पर टॉमी कहता है कि ये सही टाइम नहीं है। फिर वो ग्रेस को वेट करने के लिए कहता है एंड यहाँ से चला जाता है। अब टॉमी जाता है लिजी के पास और उसे मार्शल को बहलाने के लिए कहता है। लिजी कहती है कि तुमने कहा था कि अब ये काम मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। टॉमी कहता है कि ये लास्ट टाइम होगा एंड तुम्हें बस उसे बिजी रखना है, मैं स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पे पहुंच जाऊंगा और सब कुछ संभाल लूंगा। लिजी ना चाहते हुए भी मान जाती है। फिर वो टॉमी से एक चौक लेके मार्शल को सिग्नल देती है जिससे कि वो उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी एंड कैम्बल को। यहाँ पे कैम्बल उसे कहता है कि क्या तुम बिजी नहीं रहने वाले? टॉमी बोलता है कि जब तुम्हारा प्लान अच्छा हो तो तुम्हें रश करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कैम्बल उसे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ग्रेस एक होर है जिसका बस तुमने फायदा उठा लिया? टॉमी समझ जाता है कि कैम्बल बस उसे टीज करना चाहता है। फिर टॉमी इसका काउंटर करते हुए कहता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि हम जैसे लोगों को कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, पर ग्रेस ने कहा दैट शी लव मी, मतलब कि वो मुझसे प्यार करती है और तुम्हें तो उसने गोली मार दी पैर में। डेफिनेटली ये सुन के कैम्बल अंदर से जल जाता है। अब टॉमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पॉली और माइकल के साथ क्या किया, आज या तो तुम मरोगे या मैं, और इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिजी को और यहाँ पे मार्शल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। टॉमी यहाँ पे आ रहा था बट पुलिस वाले कहते हैं कि इस रास्ते से किंग आने वाला है तो उसे अपना रूट चेंज करना पड़ता है। फिर टॉमी यहाँ पे आता है और मार्शल पे गन चलाता है, लेकिन उसकी गन में बुलेट्स नहीं होती,
वो मार्शल टॉमी पे भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे टॉमी उसे उसी की गन से मार देता है। फिर लिजी उस पे गुस्सा होती है कि वो आखिर कहाँ पे था, लेकिन टॉमी उसे अभी के लिए यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो बाहर जाके पुलिस वालों को कहता है कि मैंने यहाँ पे आयरिश आदमियों की आवाज़ सुनी एंड साथ में मुझे गन शॉट की भी आवाज़ आई, आप जाके देखो वहाँ पे एक ऑफिसर मरा पड़ा है। इसके बाद हम देखते कि किंग यहाँ पे आ रहे थे और पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए चली जाती है। तभी पीकी ब्लाइंडर्स जाके सबीनी के सारे लाइसेंस जला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी से सबीनी मिलने आता है। टॉमी उसे कहता है कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि तुम पुलिस पे हद से ज्यादा बिलीव करते हो। उनकी नजरें हटते ही पीकी ब्लाइंडर्स ने तुम्हारे सारे लाइसेंस जला दिए। ये सुन के सबीनी अपनी गन निकालने वाला होता है और टॉमी उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सबको यही लगेगा कि तुम किंग के लिए एक खतरा हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुमने सबीनी को झूठा प्रॉमिस किया कि उसका हॉर्स भी इप्सम की रेस में आएगा, पर तुमने वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया जिसकी वजह से अब हम दोनों फिर से एक साथ आ गए हैं। अब सबीनी खुद को रोक नहीं पाता और टॉमी पे अटैक करने लगता है। तब यहाँ पे पुलिस आती है और टॉमी को पकड़ के ले जाती है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये पुलिस नहीं बल्कि रेड राइट हैंड के लोग हैं। अब ये टॉमी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मे ग्रेस के पास आती है। वेल, ग्रेस तो मे को नहीं जानती पर मे उसे पहचान लेती है। वो बताती कि मैं टॉमी के होस्ट को ट्रेन करती हूँ। उनकी थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन के बाद ग्रेस को पता चल जाता है कि वो भी टॉमी को लाइक करती है। ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मे कहती कि वही जो तुम्हें चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को। वो कॉल पे आज हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में अपडेट्स दे रहा होता है। तभी पॉली यहाँ पे आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि टॉमी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आए हुए हो। फिर कैम्बल उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है, पर दिस टाइम पॉली उसे मार देती है। इसके बाद लिजी बैठ के रो रही थी, लेकिन जॉन यहाँ पे आके उसे मोटिवेट करता है। वेल, जॉन आज भी लिजी से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, बट लिजी कहती कि मुझे तुम्हारी आंखों में वो नहीं दिखता जो कि टॉमी की आंखों में दिखता है। मीन्स लिजी लव टॉमी। व्हाट द हैक। ग्रेस लव टॉमी, मे लव टॉमी, नाउ लिजी ऑल्सो लव टॉमी, एंड टॉमी लव। आखिर किसके पास जाएगा एंड में? वेल, जाएगा तो तब ना जब जिंदा बचेगा। फिलहाल के लिए तो रेड राइट हैंड के लोगों से ले गए हैं। यहाँ पे वो टॉमी को एक सुनसान इलाके में ले आते हैं और उसके लिए कब्र भी खोदी जा रही थी। अब टॉमी अपनी लाइफ की आखिरी सिगरेट पीता है एंड फिर मरने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एक आदमी टॉमी को ग्रेव में पुश करके बाकी दोनों को मार देता है और टॉमी से कहता है कि मिस्टर चर्चिल के पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। जी हाँ, टॉमी की लाइफ मिस्टर चर्चिल ने बचाई है। अब टॉमी वापस जा रहा होता है एंड फर्स्ट टाइम हम उसे रोते हुए देखते हैं। जी हाँ, ये वही आइकॉनिक सीन है जो कि मीम्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स सेलिब्रेट कर रहे थे एंड टॉमी जाता है अपने ऑफिस की तरफ। यहाँ पे वो माइकल को उठाता है और उसे पूछता है कि वो वापस जाने वाला है या फिर टॉमी के साथ काम करने वाला है। माइकल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ एंड आई वांट टू मेक रियल मनी। फिर टॉमी कहता है कि मैंने पीकी ब्लाइंडर्स के लिए कुछ बढ़िया सा सोच रखा है, बट उससे पहले मैंने सोचा है कि शादी कर लूं। एंड दिस एपिसोड प्लस सीजन 2 एंड्स हियर। तो क्या लगता है टॉमी ने क्या सोचा होगा पीकी ब्लाइंडर्स के लिए और वो किससे शादी करने वाला है? देखो, अगर वो जिंदा बच गया है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो वो ग्रेस से ही शादी करने वाला है, बिकॉज फिलहाल के लिए तो ग्रेस ही प्रेग्नेंट है और उसके पेट में टॉमी का ही बच्चा है, तो डेफिनेटली टॉमी उसी से शादी करेगा। तो स्टार्टिंग के 2 सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो फिर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 3rd सीजन की स्टार्टिंग कैसे होती है। और जी हाँ, जल्द ही मैं 3rd सीजन आपके सामने लाने वाला हूँ। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन द चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस अप। Oh,